हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं वीर हसन का मेवाती। जैसा कि आप लोग स्टेचू को देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो घोड़े पर सवार है ये हसन खां मेवाती है। इनका काफ़ी पुराना इतिहास है और आप लोगों को उस इतिहास को दिखाने वाले हैं। और उन भाई के लिए मेरी ये वीडियो है, जो भाई ये बोलते हैं कि भाई मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया। तो मैं चलता हूँ और अंदर उस इतिहास को दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, जो इनका यहाँ पर एक म्यूजियम है जो इनके नाम से बना हुआ है, हसन खां मेवाती के नाम से। और मैं थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों के लिए, ये वीर हसन खां मेवाती के नाम से इसको बनाया गया है, ये म्यूजियम है। और ये जो स्टेचू है ये हसन खां मेवाती का है, ये देखिए। ये म्यूजियम है इनका, और साइड में से दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए। तो हम अब अंदर की तरफ चलेंगे और आप लोगों को इनके ऐतिहासिक चीज़ें और इतिहास कुछ बातें बताएंगे। और चलते हैं अंदर की तरफ। और जो ये आप ये स्टैचू देख रहे हैं, ये वीर हसन खां मेवाती एक योद्धा और एक राजा था। और इनका इतिहास आप लोगों के लिए हम बताएंगे और कुछ ऐतिहासिक बातें और कुछ ऐतिहासिक चीज़ें दिखाएंगे। तो हम चलते हैं म्यूजियम के अंदर। ये देखिए, यहाँ पर लिख रहा है वीर हसन खां मेवाती। ये देखिए, ये इनका म्यूजियम है अलवर के अंदर। और ये यहाँ पर दो जंगले हैं और इधर भी दो जंगले हैं, ये देखिए। और अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। ये इनका मेन गेट है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। और दोनों तरफ एक दो बोर्ड हैं गेट के सामने, ये देखिए। तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं स्टेचू, ये हसन खां मेवाती का है, योद्धा एक वीर राजा था। और ये बाबर का जमाने का। और एक दरवाजा ये है, और आप दिखाते हैं एक दरवाजा उधर साइड है। तो हम इस दरवाजा में के चलते हैं, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ पर काफी स्टैचू और तस्वीरें हैं, ये देखिए। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीर हसन खां मेवाती की माँ है, और ये वीर हसन खां मेवाती है, ये देखिए। और इनके बारे में यह यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब चलते हैं आगे की तरफ। बताया जाता है कि वीर हसन खां मेवाती के पास 12,000 सेनाएं थी, जो उन्होंने अपनी सेना तैयार की थी मेवकोम से। वो ये सेना थी जो आप लोग देख रहे हो, ये देखिए। काफ़ी खूबसूरत ये स्टेचू है और तस्वीर है, जो 3D में देखते हैं, उभरी हुई जो तस्वीरें हैं, जो उभरी हुई दिखती है, ये देखिए। काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं और वो अपनी 12,000 सेनाओं के साथ खड़े हैं, ये देखिए। इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए। और चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों। जो अलवर में जो किले का निर्माण हुआ था, वो किला यह है, ये देखिए, हसन खां मेवाती जो निर्माण किया था किले का, ये देखिए कि ये किला है वो, जो मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ। हसन खां मेवाती एक राजा था, ये देखिए। जब बावर से इन्होंने जंग की थी बावर के जमाने में, ये देखिए। जब मुगलों का राज होता था हिंदुस्तान पर, ये देखिए। ये भी कुछ तस्वीरें हैं युद्ध की।
अफगानों के साथ वीर हसन खां मेवाती ने जंग की थी। ये देखिए युद्ध की, ये युद्ध की तस्वीरें हैं जो आप लोग देख रहे हैं 3D में, और काफ़ी उभरी हुई तस्वीरें हैं, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, और कुछ इनके बारे में लिखा भी हुआ है। ये देखिए वीर हसन खां मेवाती का अफगानों के साथ युद्ध हुआ था, ये देखिए। और चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए ये वीर हसन खां मेवाती है, वो उनका दरबार है, वो उनकी राजगद्दी है। ये देखिए और दिखाते हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए ये वीर हसन खां मेवाती, बाबर ने एक प्रस्ताव भेजा था, उसमें लिखा था कि आप भी इस्लाम मानने वाले हो, मैं भी इस्लाम मानने वाला हूँ, आप मेरे साथ मिलकर, मतलब मेरे साथ मिलकर युद्ध करो। तो इन्होंने साफ मन इनकार कर दिया था, बोला था कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता, मैं राणा सांगर के साथ साथ दूंगा। ये देखिए ये हसन खां, वीर हसन खां मेवाती, जिन्होंने अपना देश का कर्तव्य निभाते हुए और मतलब अच्छा मतलब जवाब दिया था बाबर के लिए कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं राणा सांगर का साथ दूंगा, आपका साथ नहीं दूंगा। ये देखिए और चलते हैं, थोड़ा और दिखाते हैं आप लोगों के लिए। ये भी कुछ स्टैचू हैं, ये देखिए ये जो सामने दिख रहे हैं, आप सामने दिख रहे हैं, ये है राणा सांगर। ये देखिए ये राजपूत से, राजपूत कौम से बिलोंग करते थे। ये देखिए राणा सांगर राजपूत कौम से बिलोंग करते थे, और जिन्होंने जो हसन खां मेवाती है जो राणा सांगर के साथ साथ दिया था, ये देखिए ये वो है, और इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है या पढ़ सकते हो। अब चलता हूँ थोड़ा आगे की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को बारीकी तरह से। ये देखिए ये भी कुछ तस्वीरें हैं उस वक्त की जब बाबर का राज था, मुगलों ने राज किया था। ये देखिए इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये भी कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए युद्ध की तस्वीरें हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए सारी 3D में ये तस्वीरें हैं, उभरी हुई तस्वीरें हैं, काफी खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये देखिए और इस तस्वीरों में भी इनके बारे में, ये नीचे दी आप देख रहे हो, आप पढ़ सकते हो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, लिखा हुआ है हसन खां मेवाती के बारे में। ये देखिए और चलते हैं थोड़ा आगे। ये देखिए ये भी कुछ तस्वीरें हैं। ये वीर हसन खां मेवाती का राज तिलक है, ये देखिए। देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, वीर हसन खां मेवाती का राज तिलक। ये देखिए और चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये देखिए नाहर खां को बावर द्वारा जमानत के तौर पर रखा था। ये देखिए नाहर खां जो हसन खां मेवाती का लड़का था, जो बाबर ने उन्हें अपनी मतलब कैद में रखा था, यानी जमानत के तौर पर रखा था, बाद में उन्हें छोड़ भी दिया था,
ये देखिए, बाबर ने यह साफ लिखा था कि मैंने सबसे बड़ी भूल की है जो मैंने इन्हें आज़ाद कर दिया, क्योंकि हसन खां मेवाती ने उन्हें साफ साफ मने कर दिया था कि मैं आपके साथ मिलकर जंग नहीं कर सकता, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ये देखिए, ये नहार खां है जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये बाबर की कैद में था, और इनके बारे में कुछ लिखा भी है। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए, और चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको। ये देखिए, काफ़ी अच्छी जो पेंटिंग की है, मतलब जो काफ़ी अच्छे तस्वीर है, देखिए 3DB में मतलब सारी उभरी हुई तस्वीरें हैं। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये भी एक युद्ध की तस्वीरें हैं। ये देखिए, और चलते हैं, और इनके बारे में यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, और ये गेट है बाहर की तरफ निकलने के लिए। तो थोड़ा हम इधर साइड से दिखाते हैं। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत, और ये देखिए, इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हम पढ़ के सुनाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए हम आपको शॉर्ट में ही दिखा रहे हैं इस वीडियो को। देखिए, ये देखिए, राजा हसन खां मेवाती, वीर संगति। ये देखिए, आप देख रहे हो इस बोर्ड को, साफ लिखा हुआ है राजा हसन खां मेवाती वीर संगति, और ये इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, और चलते हैं। ये देखिए, इनके हसन खां मेवाती के बारे में भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पूरी तरह देखिए, और मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये हसन खां मेवाती की कथा है जो नरसिंह ने लिखी थी, और ये नरसिंह है वचनकार नरसिंह मेवाती, वचनकार नरसिंह मेवाती। ये देखिए, इसने बाबर की कथा लिखी थी। ये देखिए, मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ आप लोगों को, और ये देखिए, नरसिंह ने बाबर की कथा लिखी थी, और ये कुछ लिखा है, वीर हसन खां मेवाती के बारे में, राजा था ये। और चलो आगे की तरफ और चलते हैं। ये देखिए, ये भी यहाँ पर भी कुछ लिखा है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी, ये देखिए, ये स्टेचू हैं, यहाँ पर भी कितना खूबसूरत स्टेचू बनाया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ऐसा लगता है जैसे हकीकत में ही मेरे सामने ही खड़े हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल अच्छा खूबसूरत बनाया गया है इन स्टेचुओं को। ये देखिए, काफ़ी खूबसूरत, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और ये इनके बारे में कुछ लिखा है। ये देखिए, ठीक है, और अब चलते हैं उधर साइड। जो आप ये स्टैचू देख रहे हो मेरे पीछे, आप जो स्टैचू देख रहे हो, मेरे बहुत से भाई बोलते हैं कि भाई मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या करा था, तो मेरे भाई मुसलमानों ने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया था। देखिए, ये वीर हसन खां मेवाती है, राजा था, और ये जब इनका देहांत हुआ था, ये 17 मार्च 1527 में इनका देहांत हुआ था, जो अब भी इनका साल में एक बार
दिवस मनाया जाता है। देखिए हर साल इनका दिवस मनाया जाता है। ये देखिए ये वीर हसन खां मेवाती है। ये देखिए ये एक राजा था, और बहुत से मेरे भाई बोलते हैं कि भाई मुसलमानों ने इन देश के लिए क्या कहा था, इस देश के लिए क्या करा था। तो मेरे भाई इन देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी थी, इस देश के लिए ये शहीद हुए थे। ये देखिए ये वीर है मेवाती हसन खां है, और ये इनके बारे में जो मैंने आप लोगों के लिए दिखाया है, ये देखिए ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हो, वो इनके बारे में सब कुछ लिखा है। ये देखिए ये देखिए ये चारों तरफ इनकी तस्वीरें हैं। जब मुगलों ने राज किया था इस हमारे देश पे, जब देखिए हसन खां मेवाती को बोला गया था कि बाबर ने कहा था कि आप मेरे साथ लड़ो, यानी आप मेरे साथ मिलकर लड़ो, हम इस देश पर राज करेंगे। तो इसने साफ मना कर दिया था कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं आपके साथ नहीं लड़ सकता, मैं राणा सांगर के साथ दूंगा, यानी अपने जो राजा जो राणा सांगर है वो राजपूत कौम से बिलोंग करता था। ये मैं आपको उसको भी दिखाता हूं। ये देखिए ये राणा सांगर है जिनका साथ मेवाती हसन खां ने दिया था, वीर हसन खां यानी राजा। ये देखिए ये राणा सांगर है, इनके पास भी सेना थी, और जो वीर हसन खां मेवाती है उनके पास भी 12,000 की सेना थी, 12,000 सेना थी। ये देखिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। और अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक को जाकर फॉलो कर लेना।